हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। तो गाइज, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं सबसे जान होता है जो रेस्टोरेंट होता है। तो आज मैं आप लोगों के ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर के आया हूँ। तो भाई, पहले तो यहाँ के आप डिजाइन देखो जो बना हुआ है पीछे, जो एक डायनासोर टाइप का बना हुआ। और ये रेस्टोरेंट है जो भाई अभी NS 28 के बगल का सबसे बेहतर रेस्टोरेंट ये है। तो गाइज, फाइनली हम लोग आ गए हैं अशोक विहार फैमिली रिजॉर्ट में। और अभी मेरे पास जो पीछे देख रहे हैं वो है नाइट में स्टे करने के लिए रूम, और इस तरफ में है जो कैंटीन है। और मैं अभी आप लोग को अंदर में दिखाने वाला हूँ जो फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर में जो रूम अवेलेबल है वो मिनिमम कितना प्राइस तक है, ताकि आप नाइट में भी स्टे करके इस जगह पर रह सकें। तो गाइस, यहाँ से शुरू हो जाता है पहला रेस्टोरेंट, और इसके जस्ट बगल में है वो है केबिन रेस्टोरेंट, जिसके अंदर में लोग अपना प्राइवेसी से भी खाना खा सकते हैं। और ये रहा नॉर्मल रेस्टोरेंट। ये है रूम, जो इसका रेंट बताया जा रहा है वो है 700 रुपए 24 आवर्स के लिए, जिसके अंदर में अवेलेबल होता है बाथरूम, टॉयलेट और जो सामान रखने के लिए गोदरेज होता है वो सारा कुछ अवेलेबल होता है। और इस टाइप का रूम अभी आप देख सकते हैं, अंदर आइए। तो जिसके अंदर में फिलहाल अभी लाइट जो है वो नहीं है, जहाँ पे आप सामने में देख रहे हैं वो है बाथरूम प्लस टॉयलेट, और इधर है गोदरेज सामान रखने के लिए। और ये हो गया हम लोग का बेड, और अंदर में जो स्पेस बन जाता है, जो पैसे जो अपने जर्नी जो भी जर्नी करके सामान लाते हैं वो अंदर रख सकते हैं। और इस तरफ में हम लोग को मिल जाता है TV, और कुछ इसी टाइप का रूम यहाँ पे 3 रूम अवेलेबल है। और ये रहा पूरा अशोक विहार का रिजॉर्ट। यह है कैंटीन एरिया, जिसमें मिनिमम वेज का जो थाली बनता है वो बनता है 80 रुपीज का, और नॉनवेज का जो मिनिमम प्राइस का जो थाली बनता है वो बनता है 150 रुपीज का। और ऐसा है जो कैंटीन एरिया है वो यहाँ पे 3 है, जो हम लोगों ने रूम के पास में देखा वो सिर्फ रूम वालों के लिए अवेलेबल होता है। और ये रहा जनरल, और इसके एक बगल में है, जो टोटल यहाँ पे 3 है। तो गाइज, ये था अशोक विहार हॉलीडे रिजॉर्ट, जो मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होता है, वो चाहे रूम का रहे या फिर यहाँ का खाना रहे। और गाइज, यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है यहाँ का डायनासोर, जो कि काफ़ी भाई अट्रैक्टिव लगता है, और अभी देश से ज़्यादा बेहतर ये नाइट को लगता है। कुल मिलाकर ये था हम लोग का अशोक विहार फैमिली रिजॉर्ट। कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग इस जगह पर विजिट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसका लोकेशन भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो।